कहानी शुरू होती है जहां अन्नपूर्णी एक होटल में केक बना रही होती है, पर तभी वहां माइक्रोवेव ओवन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे अन्नपूर्णी इंजर्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो अपने बचपन के बारे में सोचती है। आगे दिखाया जाता है जब अन्नपूर्णी 13 साल की होती है जहां वो अपने पापा के लिए खाना बना रही होती है और वो खाना खा के उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णी अपना टिफिन पैक करके स्कूल चली जाती है। यहां उसका बनाया हुआ खाना उसके फ्रेंड के पापा टेस्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा खाना तो मैं भी नहीं बना सकता, और वो अन्नपूर्णी से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है। तभी अन्नपूर्णी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये खाना बनाने वाले बनेगी, और तब अन्नपूर्णी के फ्रेंड के पापा सबको समझाते हैं कि खाना बनाना कितना पुण्य का काम है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णी का दोस्त उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें इंडिया के सबसे बड़े शेफ का फोटो होता है। आगे दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णी बड़ी हो गई है और वो अपनी जॉब छोड़कर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती है, पर उसके फैमिली उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे वहां नॉनवेज भी पकाना पड़ेगा और उसे टेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली मंदिर का प्रसाद बनाती है और विष्णु जी की पूजा भी उसके पापा करते हैं, इसीलिए वो ये सब नहीं कर सकती। तब अन्नपूर्णी का दोस्त उसके लिए होटल मैनेजमेंट का फॉर्म ले आता है और उसे दे देता है कि उसे यही करना चाहिए। फिर अन्नपूर्णी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, MBA या होटल मैनेजमेंट, पर बहुत देर सोचने के बाद अन्नपूर्णी अपनी फैमिली को बिना बताए होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लेती है जहां उसे चिकन को काटने के लिए बोलते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे फेल कर देंगे। अन्नपूर्णी जैसे ही चिकन को कट करने लगती है उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है, पर आगे उसका दोस्त फरहान उसे समझाता है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तब अन्नपूर्णी बहुत सोचती है और डिसाइड करती है कि वो ये सब करेगी, और तब अन्नपूर्णी चिकन को आराम से कट कर देती है और फिर वो चिकन पकाती है, पर उसके दोस्त बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं बना, वो जितना अच्छे से वेज खाना बना लेती है उतना ही बेकार वो नॉन वेज बनाती है। तब वो बोलती है कि इसको बिना टेस्ट किए वो नॉन वेज अच्छे से नहीं बना सकती। आगे अन्नपूर्णी एग टेस्ट करती है और बाकी सब नॉन वेज खाना भी शुरू कर देती है। वहीं उसका दोस्त फरहान उसे ये बोलता है कि वो बाकी सब तो अच्छा बनाने लगी है पर बिरयानी बनाना उसे अभी तक नहीं आता। और आगे कॉलेज में अन्नपूर्णी के पापा आ जाते हैं और वो डर जाती है कि इन सब के बारे में उन्हें पता न लग जाए। तब वो भागी भागी MBA सेक्शन में जाती हैं क्योंकि उसके फैमिली को लगता है कि उसने MBA में ही एडमिशन लिया है। वहां उसके पापा अन्नपूर्णी से मिलकर कहते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं और रात में उन्हें आने में देर हो जाएगी, इसलिए वो घर की चाबी देने आए हैं, और उसके पापा वहां से चले जाते हैं। और फिर आगे अन्नपूर्णी चिकन टेस्ट कर रही होती है और ये सब उसके पापा देख लेते हैं। आगे मंदिर की कमेटी अन्नपूर्णी के फादर को मंदिर में पूजा करने से और भगवान का प्रसाद बनाने से मना कर देते हैं। इन सब से गुस्सा होकर उसके पापा अन्नपूर्णी की शादी करवाने का डिसाइड करते हैं, और शादी वाले दिन जब अन्नपूर्णी को शादी के लिए बुलाया जाता है तभी वहां उसका दोस्त फरहान आ जाता है और वो अन्नपूर्णी को कहता है कि उसे यहां से निकलना होगा और चेन्नई जाना होगा ताकि वो वहां बहुत बड़ी शेफ बन सके, पर अन्नपूर्णी मना कर देती है कि वो पापा की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएगी। तब फरहान कहता है कि अगर वो नहीं गई तो पूरी जिंदगी यहीं इसी कमरे में बंद कर रह जाएगी। तभी अन्नपूर्णी की दादी उसे लेने आती है और दादी को देख के अन्नपूर्णी और फरहान डर जाते हैं और दादी से बोलते हैं कि ये सब आप जो सोच रहे हो वो वैसा कुछ भी नहीं है, फरहान बस अन्नपूर्णी को लेने आया है कि ताकि वो बड़ी शेफ बन जाए। तब अन्नपूर्णी की दादी उसे जाने के लिए कहती है कि वो यहां से चली जाए और अपना ड्रीम पूरा करे, उसके पापा को वो संभाल लेंगी। तभी अन्नपूर्णी वहां से चली जाती है। नीचे आकर अन्नपूर्णी की दादी सबको कहती है कि वो भाग गई और अन्नपूर्णी अपने पापा को एक वॉइस मैसेज भेजती है। तब उसके पापा सबको ये बोलते हैं कि उसका अब इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। आगे अन्नपूर्णी एक बड़े होटल में शेफ की जॉब ढूंढने चली जाती है, पर वहाँ शेफ अविनाश उन्हें जॉब पर रखने से मना कर देते हैं। और अन्नपूर्णी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसे अपने रोल मॉडल शेफ आनंद देखने को मिलते हैं। अगले सीन में अन्नपूर्णी की रूम ओनर को पता लग जाता है कि वो यहाँ बिना पैसे दिए रह रही है। तब वो अन्नपूर्णी को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और अन्नपूर्णी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में उसके कुछ फ्रेंड उसके पास आते हैं जिनसे अन्नपूर्णी बोलती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, और फिर वो सब एक पार्टी में बिना बुलाए चले जाते हैं। वहाँ अन्नपूर्णी खाने में कमियां निकालने लगती हैं और ये पार्टी किसी और की नहीं शेफ अविनाश की होती है जिन्होंने अन्नपूर्णी को जॉब पर नहीं रखा था। तब वो वहाँ आकर अन्नपूर्णी और उसके दोस्तों से बदतमीजी से बात करते हैं। फिर वहाँ शेफ आनंद आ जाते हैं। अन्नपूर्णी उन्हें देख के बोलती है कि क्या उसे काम करने के लिए डिग्री चाहिए जबकि वो हर चीज में बेस्ट है। तब शेफ उसे बोलते हैं कि वो कुछ पका कर दिखाए। तब अन्नपूर्णी इडली बनाकर लाती है जिसे खाकर शेफ को उन्हें बचपन की याद आ जाती है और वो अन्नपूर्णी को अगले ही दिन अपने होटल में शेफ की जॉब पर रख लेते हैं। आगे अन्नपूर्णी को आज के टाइम में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसका टेस्ट सेंस चला गया है, उसे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा। ये सब देख के अन्नपूर्णी टूट जाती है कि अब वो खाना कैसे बनाएगी। कहानी फिर पास्ट में जाती है जहां होटल में सब शेफ किसी चीज की तैयारी में लगे होते हैं। तब अन्नपूर्णी शेफ अविनाश से आकर पूछती है कि वो क्या करे। तब अविनाश बोलते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के जाने तक वो मेरे सामने ना आए। फिर सब फ्रेंच प्रेसिडेंट के आने की तैयारी में लग जाते हैं।
हैं और जब प्रेसिडेंट आते हैं तब सब तरह की फ्रेंच डिशेस अपने सामने देख के वो शेफ आनंद को बोलते हैं कि उन्हें इंडिया की डिश टेस्ट करनी है। ये सब तो वो फ्रांस में भी खाते रहते हैं। तब शेफ आनंद बहुत उदास हो जाते हैं और गुस्से में किचन में आकर बोलते हैं कि सभी इंडियन डिश को सामने लाओ। इंडियन डिशेस को देखकर वो बोलते हैं कि इनमें से कुछ भी खास नहीं है, क्या किसी को भी अच्छी इंडियन डिश बनानी नहीं आती। तब अन्नपूर्णी हाथ उठाकर कहती है कि शेफ उसे आता है। आगे शेफ आनंद प्रेसिडेंट के पास फिर से जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वो डिश ट्राई करें। और जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट उस डिश को टेस्ट करते हैं तब उन्हें वो बहुत पसंद आती है। प्रेसिडेंट खुश होकर अन्नपूर्णी को एक सोने का सिक्का दे देते हैं जो कि 100 साल पुराना होता है। इन सब के बाद शेफ आनंद अन्नपूर्णी को प्रमोट कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब इंडिया बेस्ट शेफ में अन्नपूर्णी ही उनके होटल को रिप्रेजेंट करेगी। ये सुन के शेफ के बेटे अविनाश को गुस्सा आ जाता है और वो अन्नपूर्णी से बदला लेने की सोचता है। वो एक शेफ को अन्नपूर्णी के पास भेजता है कि प्लीज वो एक केक बना दे, उसे ये केक बनाना नहीं आता और ये एक इमरजेंसी है। जैसे ही अन्नपूर्णी केक बनाती है ओवन में ब्लास्ट हो जाता है जो कि हमें फिल्म के शुरू में ही दिखाया जाता है। और कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है जहां अन्नपूर्णी अपने घर वालों को रोते हुए बोलती है कि अब तो वो लोग खुश है ना, क्योंकि अब वो कभी भी शेफ नहीं बन सकती। तब अन्नपूर्णी के पापा उसे शेफ आनंद के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अन्नपूर्णी आपको देख देख के ही बड़ी हुई है, उनकी बनाई हर रेसिपी वो देखती थी, अब उन्हें ही अन्नपूर्णी को जिताना होगा। तब शेफ आनंद अन्नपूर्णी को सिखाते हैं कि बिना टेस्ट किए खाना कैसे बना सकते हैं और उसे बोलते हैं कि उसको डीमोटिवेट नहीं होना, उसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तब अन्नपूर्णी दोबारा सब कुछ सीख कर फिर से अपने दोस्तों के लिए हलवा बनाती है जो कि बहुत टेस्टी होता है। आगे शेफ आनंद अपने बेटे को पूछते हैं कि उस दिन केक का ऑर्डर किसने दिया था जब अन्नपूर्णी के साथ वो इंसिडेंट हुआ, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सब पता है और वो ये बात सभी को बता देंगे। तब उनका बेटा अविनाश कहता है कि अगर आपने बताया तो वो भी अपने होटल के सब सीक्रेट बता देगा, अगर वो गिरा तो वो सबको साथ लेकर गिरेगा। इसके बाद वो बोर्ड मीटिंग में अपना मुंह बंद कर लेते हैं और बोर्ड मेंबर अन्नपूर्णी को जॉब से भी निकाल देते हैं और अविनाश को इंडिया बेस्ट शेफ के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तब शेफ आनंद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। तभी बहुत सारे होटल वाले उन्हें अप्रोच करने के लिए आ जाते हैं कि अन्नपूर्णी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो तैयार हैं। और फिर शुरू होता है इंडिया बेस्ट शेफ बनने का कॉम्पिटिशन, जिसमें पहले राउंड में हर शेफ को एक हर्डल दिया जाता है कि उनके बॉक्स में जो भी लिखा होगा उन्हें उसके बिना ही खाना बनाना पड़ेगा। यहीं अन्नपूर्णी के बॉक्स में नो फायर लिखा होता है, मतलब उसे बिना आग के खाना बनाना पड़ेगा। और फिर सब लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं सिवाय अन्नपूर्णी के। वो सोचती रहती है कि वो क्या करे, बिना आग के कैसे पकाए। तभी उसका दोस्त फरहान उससे इशारा करता है रजनी अंकल की रेसिपी और अन्नपूर्णा समझ जाती है और अपने अंकल की दी हुई रेसिपी बनाती है। जब जजेस अन्नपूर्णी की बनाई हुई डिश टेस्ट करते हैं तो वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि बिना आग के भी उसने बहुत बढ़िया खाना बनाया और अन्नपूर्णी की डिश को बेस्ट डिश का अवार्ड देते हैं। पर नेक्स्ट कुछ राउंड के बाद शेफ अविनाश अन्नपूर्णी को बाहर निकालने की साजिश करते हैं कि उसने चीटिंग की है, वो बिना टेस्ट किए हुए खाना नहीं बना सकती, इसमें कुछ लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। तभी अविनाश अपने पापा को कहते हैं कि वो अन्नपूर्णी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते ना कि उनका बेटा ये कॉम्पिटिशन जीते। तब शेफ आनंद कहते हैं कि उसे ये सब बातें छोड़कर कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी चाहिए। तब अविनाश कहता है कि वैसे भी अन्नपूर्णी कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगी और आप उसके लिए स्टैंड मत लेना। तब शेफ आनंद कहते हैं कि वो हमेशा अन्नपूर्णी के लिए खड़े रहेंगे। तभी अविनाश उनके सर पर बॉटल मार देता है और आगे अन्नपूर्णी से इंक्वायरी होती है कि अगर उसे टेस्ट समझ नहीं आता तो ये सब वो कैसे करती है। तब वो बोलती है कि वो डिश को देखकर छूकर और स्मेल करके डिश के बारे में पता लगा लेती है और फिर वो जजेस ये डिसाइड करते हैं कि अन्नपूर्णी सही है और वो कॉम्पिटिशन के लिए कम्पीट कर सकती है। फिर फाइनल का डे आता है जिसमें बिरयानी बनाने को बोला जाता है और ये देख के फरहान दुखी हो जाता है क्योंकि अन्नपूर्णी को बिरयानी बनाना नहीं आता। पर इसके बाद अन्नपूर्णी फरहान की मम्मी को याद करके बिरयानी बनाना शुरू करती है और जजेस जब अविनाश की बिरयानी टेस्ट करते हैं तो उन लोगों को वो बहुत पसंद आती है। इसके बाद अन्नपूर्णी की बिरयानी टेस्ट करते हैं और वो भी उन्हें बहुत पसंद आती है और जजेस ये अनाउंस करते हैं कि दोनों के बीच टाई होता है और अब टाई ब्रेकर होगा जिसमें दोनों को कुछ इंग्रेडिएंट दिए जाएंगे जिनको टेस्ट करके उन्हें सही गेस करना होगा कि वो क्या चीज है। और तब फरहान कहता है कि ये गलत है, अन्नपूर्णी को तो टेस्ट का पता ही नहीं लगता। तब जजेस कहते हैं ये सब कॉम्पिटिशन से पहले ही डिसाइड था कि अगर टाई हुआ तो ऐसे ही रिजल्ट निकलेगा, किसी एक के लिए वो रूल चेंज नहीं करेंगे। फिर अन्नपूर्णी फरहान से चुप रहने को कहती है। अब अविनाश और अन्नपूर्णी एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट टेस्ट करते हैं पर अविनाश लास्ट इंग्रेडिएंट गलत बता देता है और अब बारी होती है अन्नपूर्णी की, अगर उसने सही बताया तो वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। फिर काफी सोच समझ कर अपना बचपन याद करके अन्नपूर्णी सही जवाब दे देती है और वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है। जीतने के बाद वो जजेस को कहती है कि ये ट्रॉफी उसे अपने पापा के हाथ से चाहिए और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद
आई होगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।